नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों दोनों ही सदन से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मोदी कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित सवर्ण आरक्षण बिल, जिसमें 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का जो मोदी सरकार ने फैसला किया था, इस संविधान संशोधन को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों ही सदन ने पारित कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति की भी इस पर मंजूरी मिल गई। देश के जो राष्ट्रपति है उन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया और आज झारखंड सरकार ने इसको लागू भी कर दिया है पूरे प्रदेश में। मतलब कि अब झारखंड में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जिस जो टर्म एंड कंडीशंस इस बिल में लागू किया गया, अगर उसको फुलफिल करते हैं तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा शैक्षणिक संस्थानों में, और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी। आपको याद होगा कि RJD को छोड़ के लगभग कमोवेश सभी पार्टी, जो साउथ के दक्षिण भारत के एक दो पार्टी को, एक पार्टी AIADMK जो थी उसने उसका विरोध किया, और RJD ने जो नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस बिल का अप्रत्यक्ष रूप से पुरजोर विरोध किया था। इसके साथ साथ RJD के दोनों ही सांसद, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद, लोकसभा में जयप्रकाश नारायण और राज्यसभा में मनोज झा ने इस बिल का विरोध किया था, और इस बिल के खिलाफ मनोज झा ने बकायदा वोट भी किया था राज्यसभा में वोटिंग के दौरान। इसके साथ साथ मनोज झा ने झुंझुना दिखा करके राज्यसभा में, जी हां, सदन के अंदर झुंझुना दिखा करके ये कहा था कि सरकार जो सवर्णों को जो बस झुंझुना पकड़ा रही है, इसका असली मकसद आरक्षण देना नहीं है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी सवर्णों को आरक्षण देने पर सवाल उठाया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो 49.5% आरक्षण जो मिल रहा है वो पिछड़े वर्गों के लोगों को मिल रहा है, 50% लोग तो सवर्ण ही फायदा उठा रहे हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो ये आरक्षण देने की कोई औचित्य नहीं था। तो तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन अब जो एक ताजा बयान आया है, RJD के एक वरिष्ठ नेता हैं रघुवंश प्रसाद, उनका बयान आया, उन्होंने कहा है कि RJD सवर्णों को आरक्षण देने के विरोध में नहीं है, वो आरक्षण की जो जिस तरीके से दिया गया उसके विरोध में। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर RJD में दोफार हो गई है, या आरक्षण के मुद्दे पर RJD में कहीं ना कहीं मतभेद हो गई है, या फिर RJD को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं सवर्ण वोट जो एक तरीके से उनके पक्ष में आ रहा था, लामबंद हो रहा था, वो कहीं अब उनसे छिटक ना जाए और वापस BJP के पास कहीं वापस चले ना जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में नोटा का इस्तेमाल हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही नुकसान हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं RJD को भी इस बात की डर सताने लगी है कि कहीं सवर्ण उनके अगेंस्ट होकर के भाजपा या NDA के खेमे में पोलराइज्ड ना हो। एक कारण ये भी हो सकता है इस बयान का, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि RJD में ही अंतर विरोध है सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि ये राजनीतिक माहौल है, चुनाव में महज चंद दिन बाकी है, तो तमाम दलों के द्वारा राजनीति होना भी लाजमी है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।